नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता बाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 100 न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने की खबर आ रही है, जबकि एक जवान घायल हो गया है। लोलाब के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 30 से 4 आतंकियों के होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की जवानों को आज सुबह कुपवाड़ा में आतंकियों के एक दल के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इस खुफिया इनपुट के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ कुपवाड़ा के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंकेंगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता को लुभाने की कोई भी कोशिश जाया नहीं करने जाने देनी चाहती है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी राज्य में कांग्रेस की सत्ता बचाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं 15 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आज कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए बीजेपी एससी एसटी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संबोधित किया। इसके पहले भी पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव प्रचार में नमो ऐप के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को संबोधित कर चुके हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार के पहले भी गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए दोपहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विश्वास है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से बीजेपी को खासा लाभ मिलेगा। बुधवार को कर्नाटक के कोलार में पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अहंकारी नामदार ने खुद को पीएम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें गरीबी को क्या पता। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया, बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा, 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं उनका जो होता होगा, उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये नामदारों को, वफादार लोगों को निकालना पड़ेगा, कर्नाटक की जनता के वफादार लोगों को लाना पड़ेगा। इनको नामदार का विकास करने में रुचि है, कामदार का विकास करने में रुचि नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम नामदार नहीं कामदार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हाई कमान के रिमोट कंट्रोल से चलती है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को नोच नोच कर तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है। 6 बीमारियों से कांग्रेस ग्रसित है, जहां जाती है ये 6 बीमारियों का वायरल पूरी तरह फैला देती है। एक तो स्वयं में कांग्रेस कल्चर, दूसरा है कम्युनलिज्म, तीसरा है कास्टिज्म, चौथा है क्राइम, पांचवा है करप्शन, छठा है ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। बुधवार को जेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बेंगलुरु में रोड शो के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सर्वज्ञ नगर के पास हुई झड़प में दोनों पार्टियों के समर्थकों में मारपीट हुई। गुस्साए समर्थकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जैसे ही वो प्रचार के लिए अपने ऑफिस से निकल रहे थे, तभी उसी रोड से अमित शाह की रैली भी निकल रही थी। उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की।
They have thrown stones at our people. They have damaged our vehicles all along, thrown the vehicles. This is nothing but gundagardi. Cannot win an election without winning. कर्नाटक में फर्जी वोटर कार्ड के सिलसिले में कांग्रेस बुधवार को चुनाव आयोग के पास पहुंची। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव धन बल और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस फ्लैट में फर्जी वोटर कार्ड मिले हैं वो बीजेपी के नेता का है। इससे साबित होता है कि इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। अभी तक इनकम टैक्स महकमे ने एक भी रेड या कोई भी कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ नहीं की। जिस पार्टी के नेताओं के पास सारे साधन और पैसा है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बनाने के लिए बना है? ये हमने इलेक्शन कमीशन से बताया है। कर्नाटक में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिलने से संबंधित शिकायत लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी बुधवार को चुनाव आयोग में मिलने पहुंचा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राजेश्वरी नगर सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग की है। हमने मांग की है कि जो वहां पर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुनः चुनाव कराया जाए, वहाँ चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव वहाँ होना चाहिए और जो लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलेमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि वे ऐसे समारोह में शामिल होने से सहज महसूस नहीं करते। बता दें कि जस्टिस चेलेमेश्वर को आगामी 22 जून को रिटायर होना था। उनके फेयरवेल का आयोजन 18 मई को होना है क्योंकि 19 जून से गर्मी की छुट्टियों के कारण सुप्रीम कोर्ट बंद रहा जाएगा। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है। मौत के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक श्रीनगर में हुई जिससे घाटी के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वाजपेयी जी की सरकार के दौरान की गई सीजफायर की घोषणा पर केंद्र फिर से विचार करे। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आतंकियों के साथ एनकाउंटर से आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमजान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने। कश्मीर में आतंकी जनाजे का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मां अपने बेटे को बंदूक से सलामी देती नजर आ रही है। वीडियो शोपिया के हैफ इलाके की है जहां इमारत के ऊपर खड़ी महिला आतंकी के हाथ में पकड़ी बंदूक का ट्रिगर दबाती दिख रही है। माना जा रहा है कि ये महिला सद्दाम पैडर की माँ है। शोपिया में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सद्दाम पैडर मारा गया था। माना जा रहा है कि ये महिला सद्दाम पैडर की मां है। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। बुधवार को यूपी और असम समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। इसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। मौसम ने सबसे ज्यादा कहर यूपी में बरपाया है।
यूपी में तूफान और बारिश के चलते कम से कम 11 लोग की जान चली गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा असम में तेज तूफान और बारिश के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 11 लोग जख्मी हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी के इटावा में 4, मथुरा में 3, आगरा में 1, कानपुर में 1, अलीगढ़ में 1 और फिरोजपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा तबाही त्रिपुरा में हुई है और के नगर में विनाशकारी तूफान से सड़कों पर घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। हालांकि इस आंधी तूफान में किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। तूफान के साथ कई जगह पर भारी बारिश हुई है। इससे पहले भी त्रिपुरा में आंधी से करीब 1800 मकान गिर गए थे। तूफान के साथ साथ बारिश का सबसे ज्यादा कहर शिलांग में देखने को मिला जहां तूफान के चलते जगह जगह पेड़ गिर गए। वहीं आंधी और बारिश में यातायात बाधित हो गया। आंधी तूफान और बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में आए तूफान के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजौरी के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है जिसकी वजह से उनका सामान जहां का तहां पड़ा हुआ है। लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कतें हो रही हैं। इससे पहले ये ऐसा मौसम हमने कभी नहीं देखा। हमारा माल मवेशी जो है वो अभी रुका हुआ है। बर्फ में 2 दिन 3 दिन यहाँ पड़े हुए हैं। कोई यहाँ प्रबंध नहीं है, गाड़ी का प्रबंध नहीं है, ले जाने का प्रबंध नहीं है। गाड़ी वाले जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं, हम लोगों गरीबों का लूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का कहर देखने को मिला। बारिश से जहां लोगों की दिक्कतें बढ़ गई वहीं ओलावृष्टि सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। बारिश और ओलावृष्टि इतनी ज्यादा है कि दुकानों में पानी घुस गया। मौसम के बदले मिजाज के बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला के साथ साथ रोहतांग, लाहौर और किन्नौर के कई क्षेत्रों में हिमपात जारी है। ओले गिरने से सेब और सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। आंधी और तूफान के साइड इफेक्ट हिमाचल में लाहौर स्पीति में देखने को मिल रहे हैं। मई महीने में लाहौर स्पीति में भारी बर्फबारी हो रही है। मंगलवार को यहां शुरू हुई बर्फबारी अब भी जारी है। लाहौर स्पीति में बर्फबारी होने के कारण हिमालय के ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। बारिश और तूफान के खतरों के बीच बुधवार को दिल्ली, NCR, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। हालांकि इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हम ऑफिस में थे, अभी हमने ये महसूस किया है, 2-3 झटके किए हैं। हम ऑफिस से नीचे आ गए, भूचाल के झटके देखे हैं, जबरदस्त एक दो झटके जबरदस्त आ गए। अब हम नीचे आ गए हैं तो यहाँ अभी भी तारे हिल रही है और लोग भी रुक गए हैं सड़कों पर। जी नहीं नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, इसका नुकसान नहीं हुआ है जी। अब आपको लगता है बहुत सारे झटके आ रहे हैं, बहुत ये रेड जोन करार दिया गया है तो यहाँ बहुत सारा खतरा है ही। हरियाणा के रोहतक और झज्जर समेत दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई। इतना ही नहीं, भिवानी समेत कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। करीब 5 से 7 मिनट तक ओलावृष्टि होती रही जिसकी वजह से आम आदमी को थोड़ी परेशानियां हुई। मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली वहीं तेज बारिश अनाज मंडी में पानी भर गया और मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज भीग गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने किसानों पर कहर बरपाया है। आंधी तूफान, बारिश, ओले और बर्फबारी से सब्जियों और फलों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बर्फबारी और ओले गिरने से फल और सब्जियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। वहीं फसलों की तबाही से किसान चिंतित है। झालाबारी के और इस ओले जो पड़े हुए उनके ढेर लगे हुए हैं, काफी नुकसान हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से भी ये हम
रिक्वेस्ट करते हैं कि ये यहाँ के हालात को देखकर यहाँ के लोगों की मदद की जाए ताकि जो नुकसान की भरपाई हो सके। यूपी के मुरादाबाद में आंधी और तूफान ने आम के किसानों पर कहर बरपाया है। आंधी और तूफान से आम की फसल बर्बाद हो गई है। विनाशकारी तूफान से आम के लगभग 80% फसल को तबाह कर दिया है। किसान का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर बागवानी की थी, लेकिन तूफान के आने से फसल को तबाह कर दिया है। फसल नुकसान होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तरह का चक्रवर्ती तूफान आज अलग किया है, अगर जो ऐसा हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा किसान, क्योंकि अपना सब कुछ बेच बाज के वो बाग के ऊपर लगा देता है और उसकी रोजी रोटी, उसके बच्चों का सब कुछ वही उसका दारोमदार होता है। तमिलनाडु के कोयंटूर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ने एक स्कूटी सवार लड़की को कुचल दिया। स्कूटी पूरी तरह से बस के नीचे आ गई। हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की बाल बाल बच गई। स्कूटी बस के नीचे आने जाने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और बड़ी मुश्किल से लड़की को बस से नीचे से निकाला गया। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मुंबई के फ्रीवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 11 छात्रों को चोटें आई हैं, जिनमें से 7 को शताब्दी और बाकी को जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस मुंबई से मंडला हॉस्टल जा रही थी। बस छात्रों को उनके हॉस्टल छोड़ने जा रही थी। हादसा रात करीब 10:45 हुआ। बॉम्बे से मंडला एक हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, स्टूडेंट थे, हॉस्टल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया। सर कितने लोग थे? इसमें 11 लोग हैं और 11 लोग इंजर्ड है। इसमें से शताब्दी हॉस्पिटल में 7 जन भर्ती, 4 जन। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह के ट्रैफिक में 2 बसों के बीच एक स्कूटी सवार फंस गया। बसों के बीच कुचलकर उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह हुए इस हादसे में स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट बस ने स्कूटी में टक्कर मारी, जिससे स्कूटी सवार सड़क पर गिर गया और दूसरी बस ने उसे रौंद दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में ज्ञानगंगा अभयारण्य में 4 मई से आग लगी है। इस आग में अब तक 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है, लेकिन नुकसान 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का हुआ है। इस रिजर्व में अनेक प्रकार के वन्य जीवों का अधिवास है। 205 किलोमीटर वर्ग में फैले इस रिजर्व को बुलढाणा और खामगांव, इन 2 रेंज में विभाजित किया गया है। आग ने बुलढाणा रेंज के उत्तर देवहारी और बोखेड़ बीट को अपनी चपेट में ले लिया है। जंगल में फैली आग के कारण वन जीवों की जान खतरे में है, जबकि अनेक छोटे पशु पक्षी की जान चली गई है। थोड़ा मुश्किल है। यूपी के सहारनपुर में तनाव है, जिसकी वजह से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजनों का आरोप है कि बाइक सवार बदमाश ने सचिन पर गोलियां बरसा दी। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही है। वहां जाकर हम लोगों ने बताया, पुलिस अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी एसएसपी साहब ने वहां हमें सब बोला है कि हमने उनसे बोला कि हमारे उन पर गोली मार दी गई। हमारे एलआईयू का एक कांस्टेबल और एक और अन्य कांस्टेबल वहाँ पहुंचा हुआ था, जिसने जब वो लेके आ रहा था वहाँ उससे पूछताछ की है, जो हमारे पास कुछ फोटोज भी मौजूद है कि वहाँ गलियों में जो यूपी के आजमगढ़ में सरफरे आशिक ने एक तरफा प्यार में 16 साल की नाबालिग को घर में घुसकर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित नाबालिग करीब 75% झुलस गई है। लड़की की चीख की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और फिर उसे अस्पताल ले गए। हमारे पास एक लड़की आई थी 17-18 साल की, वो लगभग 75% जली हुई थी। तो आजमगढ़ का केस था, वो बीएचयू ले गए थे, वहां पे शायद बेड नहीं था, इसकी वजह से हमारे पास भेजी गई थी। लड़की काफी गंभीर अवस्था में है और लगभग 75% जली हुई है और काफी गंभीर अवस्था में उसका इलाज हो रहा है।
अभी थोड़ा स्टेबल है, दो दिनों में जो है जो थोड़ी कमियां थी उसको पूरी की गई हैं, पानी चढ़ाया गया, फुल जो है ब्लड का जो है इंतजाम किया गया थोड़ा उसके लिए। पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता और रोहिणी के चार बार विधायक और व्यापारी भगवान लाल के परिवार के सदस्यों को भी पीटने के मामले में डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। हजार रुपए की मांग करी गई, जब उसने उनको बताया कि उनको हजार रुपए नहीं देंगे हम, तो इन्होंने खुद मेरे भाई की आरसी देख के, पूरी स्कूटी की आरसी देखी और उसके बाद उसको मारा। उसके पक्ष में जब हम उसको बचाने गए तो उसमें 14 पुलिस वालों ने मेरे और मेरे भाई को हमें घेर लिया। मैं आज स्पेशल सीपी को सबको इनकी शिकायत दी है, अगर मुझे यहाँ पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इनको हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ने वाला नहीं है। किसी कीमत पे भी इनके खिलाफ जितनी धाराएं होंगी, जो जो इन्होंने गलत व्यवहार किया है, उन धाराओं के साथ जाके कोर्ट से न्याय मांगूंगा। न्याय मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं जाना पड़े। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस वाले पीड़ित की स्कूटी उठाकर थाने ले आए थे और फिर छोड़ने की एवज में हजार रुपए मांगने लगे। रुपए न देने पर कई पुलिस वालों ने मिलकर पीड़ित को बुरी तरह पीटा और शरीर में सुइयां चुभाई। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पहले भी ये पुलिस वाले ऐसा कर चुके हैं। यूपी के इलाहाबाद में बीजेपी के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के वक्त बीजेपी पार्षद पवन केसरी अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे, उसी वक्त बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस का मानना है कि इस वारदात को किसी आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान परमाणु डील को रद्द किए जाने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका की सूची में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की में जगह मिली है। उन्हें विश्व के शीर्ष 10 प्रभावशाली लोगों में नौवें स्थान पर रखा गया है। फोर्ब्स ने माना है कि पीएम मोदी का नोटबंदी वाला फैसला देश के भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ मोदी सरकार के लिए राहत का संदेश लेकर आया है। आईएमएफ ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% के विकास दर से आगे बढ़ेगी। आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा बुधवार को काबुल के दो थानों पर किए गए हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी बुधवार की सुबह कई धमाकेदार विस्फोटों से दहल गई और उसके बाद पुलिस की आतंकवादियों से भीषण मुठभेड़ हुई। पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका के शहरों में उड़ने वाली टैक्सी की संभावनाएं तलाशने के लिए कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर और अंतरिक्ष एजेंसी नासा साथ मिलकर काम करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल उपभोक्ताओं को अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए नए प्लान ला रही है, जिसके जरिए वह जियो जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए कोशिश कर रही है। बीएसएनएल ने 39 रुपए के प्लान को दिल्ली और मुंबई सर्किल के लिए लॉन्च किया है, जिसकी वैधता 10 दिनों की रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान के जरिए यूजर रोमिंग में भी ऑनलाइन अनलिमिटेड कॉल कर सकेंगे। मारुति ने विटारा ब्रेजा एएमटी को भारत में लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ने विकल्प के तौर पर विटारा ब्रेजा को ऑटो गियर शिफ्ट एजीएस के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने एएमटी वेरिएंट की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए रखी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ने के फैसले के ऐलान के बाद बुधवार को ब्रेंट क्रूड को कीमत प्रति $77 के पार चली गई है। टीवीएस मोटर कंपनी ने आरटीआर 180 का रेस एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है।
वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने नई स्विफ्ट और बेलेनो के वाहन बाजार 686 यूनिट्स को वापस मंगवाया है। इन दोनों कारों के ब्रेक वैक्यूम होस के खराबी के कारण यह फैसला लिया गया है। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने नई स्विफ्ट और बेलेनो 52,068 यूनिट्स को वापस मंगाया है। इन दोनों कारों के ब्रेक वैक्यूम होस में खराबी के कारण यह फैसला लिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। रुपए डॉलर के मुकाबले 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आईपीएल 2018 जैसे जैसे बीता जा रहा है वैसे वैसे इसका रोमांच बढ़ता जा रहा है। आईपीएल 11 के 91 मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 102 रनों से विशाल अंतर से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 210 रन बनाए। एमआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत के लिए 211 रनों का लक्ष्य दिया है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम ने शुक्रवार को आईपीएल मैच की गुलाबी जर्सी में खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अपने पहले क्रश के बारे में फैंस को बताया। गल्फ आयन इंडिया के एक प्रमोशनल इवेंट में धोनी ने अपने दिल की बात शेयर की। इस इवेंट में धोनी ने उनके पहले क्रश के बारे में पूछा गया। धोनी ने पहले कुछ संकोच दिखाया और फिर अपने पहले क्रश का राज सबके सामने खोल दिया। मुंबई इंडियंस अभी तक इंडियंस प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम रही है। मुंबई इंडियंस टीम 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। मुंबई ने पहली बार 2013 में आईपीएल जीता था। इसके बाद 2015 और फिर 2017 की आईपीएल ट्रॉफी भी मुंबई इंडियंस ने उठाई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अगले साल ब्रिस्बेन में श्रीलंका के साथ गाबा मैदान में डे नाइट टेस्ट खेलेगा। सीए ने इस बात की जानकारी दी। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट के लिए घोषित भारतीय टीम की घोषणा कर दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक कोहली की गैर मौजूदगी में उप कप्तान अजिंक्य रहाणे टीम की अगुवाई करेंगे। बाहुबली चीन कर बौना साबित हो गया है। जबकि डेढ़ दर्जन काल्पनिक सुपर हीरोज लेकर आई हॉलीवुड को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भारत में लगातार अपनी कमाई का डंका बजा रही है। टीवी सीरियल प्रोड्यूस करने के बाद अब एकता कपूर एक बार फिर फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वे बड़े सितारों के साथ काम करने में बचती हैं। इस बारे में एकता कपूर का कहना है कि वे बड़े बजट और सितारों के बीच शेड्यूल से दूर रहना चाहती हैं। तो अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फिल्म रुस्तम ने नौसेना अधिकारी के रूप में पहनी हुई वर्दी की नीलामी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि इन लोगों ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और शहीद सैनिकों की विधवाओं के भावनाओं से खेला है। श्रेयस तरपड़े और उनकी पत्नी दीप्ति तरपड़े के घर खुशी का माहौल है। शादी के 14 साल बाद उनके घर किलकारी गूंजी है। श्रेयस और दीप्ति सरोगेसी के जरिए एक बेटी के माता पिता बने हैं।